हेलो एवरीवन, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड एंड लर्न द इरेगुलर वर्ब्स इन माय प्रीवियस वीडियो। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रेगुलर वर्ब्स विद बेसिक रूल्स एंड मीनिंग आल्सो। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद रेगुलर वर्ब्स को कैसे बनाया जाता है ये आप अच्छा तरह से सीख जाएंगे। ये मेरा रिक्वेस्ट है, बहुत ध्यान दे के देखिए, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए और इसको रिटिन प्रैक्टिस करिए। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज अ रेगुलर वर्ब? रेगुलर वर्ब एन इंग्लिश वर्ब कैन बी रेगुलर और इरेगुलर। अ रेगुलर वर्ब इज वन दैट फॉलोज द यूजुअल रूल फॉर फॉर्मिंग इट्स सिंपल पास्ट टेंस और इट्स past participle. In English, the usual rule is to add ed or d or ied to the base form of the verb to create the past form. For example, walk, walked, walked. Dance, danced, danced. Cry, cried, cried. इसका मतलब यह हुआ, कोई भी regular verb में अपन क्या करते हैं ना, जो मेन वर्ब है मेन वर्ब के साथ डी ई डी और आई ई डी जोड़ के उसको वर्ब का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, लुक एट दिस वर्ड वक वक, इसके साथ क्या जोड़ा है ई डी, वक्ड वक्ड। डांस ऑलरेडी ई है तो इसके साथ ओनली डी जोड़ा है, डांस्ड डांस्ड। नेक्स्ट है क्राई, लास्ट में क्या है वाई है तो y को रिप्लेस करके i यूज किया है और ed जोड़ा है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, व्हाट आर द रूल्स फॉर क्रिएटिंग द पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स ऑफ रेगुलर वर्ब्स? नाउ रूल नंबर वन, एड ed टू द मोस्ट ऑफ द वर्ब्स एंडिंग विद कॉन्सोनेंट लेटर। जो कॉन्सोनेंट लेटर है, कॉन्सोनेंट लेटर के द्वारा जो वर्ड लास्ट में कॉन्सोनेंट लेटर रहेगा उसके साथ आपको ईडी जोग करके आपको उसको वी टू और वी थ्री फॉर्म बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, जाम्प जाम्प्ड जाम्प्ड, पेंट पेंटेड पेंटेड, असिस्ट असिस्टेड असिस्टेड, हेल्प हेल्प्ड हेल्प्ड, ओपन ओपेंड ओपेंड। अंडरस्टूड? रूल नंबर टू, इफ अ वर्ब ऑफ वन सिलेबल एंड्स विथ consonant vowel consonant, then double the final consonant letter and add ed. This is a one syllabic word. So what is syllable? Now syllable a hota hai, syllable jis word ka jitna part upon ek sath pronounce kar sakta hai usko one syllabic word or monosyllabic word bolte hai. Jaise for example chat, look at this word very carefully, the last three letters फर्स्ट एच एच कॉन्सोनेंट ए वेल टी कॉन्सोनेंट। सो यहाँ पर क्या होगा, जो लास्ट कॉन्सोनेंट है वो आपको टू टाइम्स यूज करना है, देन यू हैव टू एड ई डी। ओके, जैसे चैट चैटेड चैटेड, ठीक है। स्टॉप, टी क्या है, टी कॉन्सोनेंट है, ओ वेल है, पी कॉन्सोनेंट है। सो इस रूल को फॉलो कर रहे हैं, कॉन्सोनेंट वेल कॉन्सोनेंट जहाँ पर रहेगा। और क्या होगा, लास्ट जो लेटर रहेगा लास्ट लेटर को आपको टू टाइम्स यूज करना है, देन यू हैव टू ऐड ईडी। ओके, नेक्स्ट, इफ द फाइनल कॉन्सोनेंट इज डब्ल्यू एक्स और वाई डोंट डबल इट। सपोज इसी का रूल है, ए जो पार्ट है, ठीक है, ए इसी का ही रूल है। इसमें क्या है, कॉन्सोनेंट वॉयल कॉन्सोनेंट रहेगा लेकिन लास्ट में जो डब्ल्यू y और x वो रहेगा, उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको टू टाइम्स यूज नहीं करना है। जिस वर्ड में w लास्ट कॉन्सोनेंट वॉयल कॉन्सोनेंट केस में लास्ट में w x y रहेगा, उस केस में आपको लास्ट कॉन्सोनेंट लेटर को टू टाइम्स यूज नहीं करना है। जस्ट सिंपली यू हैव टू एड ई डी विद द मेन वर्ब, मेन वर्ब के साथ ई डी जोग करना है। फॉर एग्जाम्पल, सीव sued sued, play played played, fix fixed fixed. Rule number three,
If the last syllable of a longer verb is stressed and ends with consonant vowel consonant, then double the last consonant and add ed. सपोज यहाँ पर जो वर्ड्स है वर्ड्स के टू सिलेबलिक वर्ड है. टू सिलेबलिक वर्ड में क्या होता है, टू सिलेबलिक वर्ड में जो लास्ट सिलेबल है लास्ट सिलेबल को ज्यादा से अपन स्ट्रेस दे के प्रोनाउंस करते हैं. ठीक है, प्रोनाउंस करते हैं, तो उस केस में क्या करना है, उस केस में भी आपको लास्ट जो कॉन्सोनेंट लेटर है उसको टू टाइम्स यूज करना है. समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल इनकर, इनकर क्या है ना, कर, तो लास्ट जो सिलेबल है यहाँ पर टू सिलेबल है, एक है इन आई एन इन और दूसरा सिलेबल क्या है कर, तो कर में अपन ज्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा, आपको जो लास्ट लेटर है कॉन्सोनेंट लेटर उसको भी आपको टू टाइम्स यूज करना है, देन यू हैव टू एड ईडी. इनकर इनकर्ड इनकर्ड. प्रेफर प्रेफर्ड प्रेफर्ड. ओके नेक्स्ट, If the first syllable of a longer verb is stressed and then the verb ends with consonant vowel consonant, then just add ed. Okay? तो इसका मतलब है यहाँ पर भी क्या है, टू सिलेबलिक वर्ड है. टू सिलेबलिक वर्ड में आपको जब फर्स्ट सिलेबल में अपन ज्यादा स्ट्रेस देता है तो उस केस में आपको टू टाइम्स यूज नहीं करना है लास्ट कॉन्सोनेंट लेटर को. जैसे ओपन ओपन, तो यहाँ पर जो टू सिलेबलिक वर्ड है एक है ओ और दूसरा है पेन, तो ओ में क्या ज्यादा स्ट्रेस दे रहा है, तो उस केस में कॉन्सोनेंट वॉयल कॉन्सोनेंट रहेगा लेकिन लास्ट जो कॉन्सोनेंट लेटर है उसको आपको टू टाइम्स यूज नहीं करना है, जस्ट आपको सिंपली ईडी एड करना है. फॉर एग्जाम्पल ओपन ओपेंड ओपेंड. एंटर एंटर्ड एंटर्ड. स्वालो स्वालोड स्वालोड. Understood? Rule number 4. If the verb ends with E, then you have to add only D. जहां पर क्या होगा, कोई भी वर्ड का लास्ट में E रहेगा तो उस केस में V2 और V3 बनाने के लिए आपको जस्ट D एड करना है, only D. For example, unite, united, united. Use, used, used. Love, loved, loved. Taste, tasted, tasted. Understood? Next, if the verb ends with consonant and Y, then you have to change the Y to an I and add ED. For example, cry. इसका मतलब क्या हुआ? ना कोई भी सिंगल सिलेबलिक हो डबल सिलेबलिक वर्ड हो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, लास्ट में आपको वाई रहेगा और वाई से पहले आपको एक कॉन्सोनेंट लेटर रहेगा, लास्ट में वाई रहेगा और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर रहेगा, उस केस में आपको वाई को आपको रिप्लेस करके आई यूज करना है और ईडी जोड़ना है. क्राई क्राइड क्राइड. फ्राई फ्राइड फ्राइड. ट्राई ट्राइड ट्राइड. Understood? Let's start. Add. Please note down these verbs in your copy. Add means jodna. Add, added, added. Admire, prasamsa karna. Admired, admired. Advise, upadesh dena. Advised, advised. Allow, anumati dena. Allowed, allowed. Answer, uttar dena. Answered, answered. अपॉइंट, नियुक्त करना. अपॉइंटेड अपॉइंटेड. अपीयर, प्रकट होना. अपीयर्ड अपीयर्ड. अराइव, पहुंचना. अराइव्ड अराइव्ड. अरेस्ट, अरेस्टेड अरेस्टेड. आस्क, पूछना. आस्क्ड आस्क्ड. अटैक, आक्रमण करना. अटैक्ड अटैक्ड. बार्क, भौंकना. बार्क्ड बार्क्ड. बाथ, स्नान करना. बाथ्ड बाथ्ड. बेग, भीख मांगना. बेग्ड बेग्ड. बिलीव, विश्वास करना. बिलीव्ड बिलीव्ड. बिहेव, बिहेव्ड बिहेव्ड. ब्लीड, ब्लेड ब्लेड. ब्लेस, आशीर्वाद देना. ब्लेस्ड ब्लेस्ड. ब्रेक, तोड़ना. ब्रोक ब्रोकन. ब्रिंग, लाना. ब्रॉट ब्रॉट.
बॉयल, बॉयल्ड बॉयल्ड, बोस्ट, बोस्टेड बोस्टेड, बोरो, बोरोड बोरोड, बिल्ड, बिल्ट बिल्ट, बर्न, बर्न्ड बर्न्ड, बाय खरीदना, बॉट बॉट, कॉल मीन्स पुकारना, कॉल्ड कॉल्ड, कैरी कैरिड कैरिड, कैच कॉट कॉट, क्लीन क्लीन्ड क्लीन्ड, क्लोज क्लोज्ड क्लोज्ड, चेंज चेंज्ड चेंज्ड, चेक चेक्ड चेक्ड, क्लाइम क्लाइम्ड क्लाइम्ड, क्लैप क्लैप्ड क्लैप्ड, कॉपी कॉपीड कॉपीड, कलेक्ट कलेक्टेड कलेक्टेड, कॉम्प्लेन कॉम्प्लेंड कॉम्प्लेंड, कुक कुक्ड कुक्ड, काउंट मीन्स गिनना, काउंटेड काउंटेड, कॉन्फ्यूज कॉन्फ्यूज्ड कॉन्फ्यूज्ड। सो हियर यू कैन सी एडमायर, एडमायर ऑलरेडी लास्ट में ई है, तो यहाँ पे क्या सेकेंड टाइम आपको ई नहीं जोड़ना है, ठीक है, डायरेक्ट आपको डी जोड़ना है, ठीक है। जहाँ पर जिस वर्ड में ऑलरेडी लास्ट में ई रहेगा उस केस में आपको फिर से ई डी नहीं जोड़ना है, उस केस में आपको डी जोड़ना है। ओके अंडरस्टूड। नेक्स्ट कंसल्ट, कंसल्टेड कंसल्टेड, कवर कवर्ड कवर्ड, क्रो क्रोड क्रोड, क्रॉस क्रॉस्ड क्रॉस्ड, क्रीप क्रेप्ट क्रेप्ट, क्राई क्राइड क्राइड, डेकोरेट सजाना, डेकोरेटेड डेकोरेटेड, डांस डांस्ड डांस्ड, डिसीव धोखा देना, डिसीव्ड डिसीव्ड, डिफीट हराना, डिफीटेड डिफीटेड, डिसाइड डिसाइडेड डिसाइडेड, डिजायर डिजायर्ड डिजायर्ड, डिस्कवर डिस्कवर्ड डिस्कवर्ड, डीप डीप्ड डीप, डाई डाइड डाइड, डिवाइड डिवाइडेड डिवाइडेड, ड्रीम ड्रीम्ड ड्रीम्ड, डाई डाइड डाइड, अर्न अर्न्ड अर्न्ड, एंटर एंटर्ड एंटर्ड, एम्प्लॉय एम्प्लॉयड एम्प्लॉयड, एक्सप्लेन एक्सप्लेंड एक्सप्लेंड, फेल फेल्ड फेल्ड, फियर फियर्ड फियर्ड, फील फेल्ड फेल्ड, फ्ली फ्लेड फ्लेड, फाइट फॉट फॉट, फिनिश फिनिश्ड फिनिश्ड, फाइंड फाइंड फाइंड, फ्लोट फ्लोटेड फ्लोटेड, ग्रेज ग्रेज्ड ग्रेज्ड, गैदर गैदर्ड गैदर्ड, हैब हैड हैड, हेट घृणा करना, हेटेड हेटेड, हैंग फांसी लटकाना, हैंग्ड हैंग्ड। नेक्स्ट हियर मीन्स सुनना, हियर हर्ड हर्ड, हेल्प हेल्प्ड हेल्प्ड, इम्प्रूव इम्प्रूव्ड इम्प्रूव्ड, इनवाइट इनवाइटेड इनवाइटेड, ज्वाइन ज्वाइंट ज्वाइंट, जंप जंप्ड जंप्ड, कीप केप्ट केप्ट, किल किल्ड किल्ड, ले लेड लेड, लाई लाइड लाइड, लाफ लाफ्ड लाफ्ड, लर्न लर्न्ड लर्न्ड, लीव लेफ्ट लेफ्ट, लेंड लेंट लेंट, लूज लॉस्ट लॉस्ट, लाइक लाइक्ड लाइक्ड, लिसन लिसन लिसन्ड, लुक लुक्ड लुक्ड, लाइव लिव्ड लिव्ड, लव लव्ड लव्ड, लीड लेड लेड, मैरी मैरिड मैरिड, मेक मेड मेड, मीन मेंट मेंट, मीट मेट मेट, मूव मूव्ड मूव्ड, मेल्ट
मेल्टेड मेल्टेड, मेंड मेंडेड मेंडेड, मिक्स मिक्स्ड मिक्स्ड, नेम नेम्ड नेम्ड, नीड नीडेड नीडेड, नीप नीप्ड नीप्ड, ओपन ओपेंड ओपेंड, ऑर्डर ऑर्डर्ड ऑर्डर्ड, अपोज विरोध करना, अपोज्ड अपोज्ड, पे पेड पेड। नेक्स्ट प्ले, प्ले मीन्स खेलना, प्लेड प्लेड, प्रे प्रार्थन करना, प्रेड प्रेड, प्रेज प्रेज्ड प्रेज्ड, प्रीच प्रीच्ड प्रीच्ड, पीप झांकना, पीप्ड पीप्ड, प्लांट पौधा लगाना, प्लांटेड प्लांटेड, प्लाक तोड़ना, प्लाक्ड प्लाक्ड, प्रिपेयर तैयार होना, प्रिपेयर्ड प्रिपेयर्ड, पुल खींचना, पुल्ड पुल्ड, प्रिवेंट रोकना, प्रिवेंटेड प्रिवेंटेड, पानिश पानिश्ड पानिश्ड, प्रूव सिद्ध करना, प्रूव्ड प्रूव्ड, प्रॉमिस वचन देना, प्रॉमिस्ड प्रॉमिस्ड, पुश धक्का देना, पुश्ड पुश्ड, प्लाउ खेत जोड़ना, प्लाउड प्लाउड, क्वार्ल झगड़ा लेना, क्वार्ल क्वार्ल, रेन रेंड रेंट, रिप्लाई जवाब देना, रिप्लाइड रिप्लाइड, रीच पहुंचना, रीच्ड रीच्ड, रिसीव मतलब पाना और प्राप्त करना, रिसीव्ड रिसीव्ड, रिफ्यूज रिफ्यूज्ड रिफ्यूज्ड, रेस्ट रेस्टेड रेस्टेड, रिजाइन रिजाइंड रिजाइंड, रिपेयर रिपेयर्ड रिपेयर्ड, रिमेम्बर रिमेम्बर्ड रिमेम्बर्ड, रिटर्न रिटर्न्ड रिटर्न्ड, रोर रोर्ड रोर्ड, से सेड सेड, सीक सॉट सॉट, सेल सोल्ड सोल्ड, सेव सेव्ड सेव्ड, सॉ सॉड सॉड, सेंड भेजना सेंड सेंड, सिलेक्ट चुनना सिलेक्टेड सिलेक्टेड, स्लीप सोना स्लेप्ट स्लेप्ट, स्टैंड खड़ा होना, स्टूड स्टूड, स्टे स्टेड स्टेड, स्पेंड स्पेंट स्पेंट, स्टॉप स्टॉप्ड स्टॉप्ड। नेक्स्ट स्वीप, स्वीप मीन्स झाड़ू देना, स्वेप्ट स्वेप्ट, स्टडी स्टडीड स्टडीड, स्लीप स्लीप्ड स्लीप्ड, टॉक टॉक्ड टॉक्ड, यहाँ पे टॉल्क नहीं है ठीक है, एल इज साइलेंट हेयर, टॉक टेल टोल्ड टोल्ड, टीच टॉट टॉट, थिंक थॉट थॉट, टाई टाइड टाइड, टॉच ये सॉरी टच टच्ड टच्ड, ट्राई ट्राइड ट्राइड, ट्रस्ट ट्रस्टेड ट्रस्टेड, यूज यूज्ड यूज्ड, अंडरस्टैंड अंडरस्टूड अंडरस्टूड, वक चलना वक्ड वक्ड, वॉश वॉश्ड वॉश्ड, वेट वेटेड वेटेड, वीप वेप्ड वेप्ड, वर्क वर्कड वर्कड, वॉच वॉच्ड वॉच्ड, विज विज्ड विज्ड, वंडर वंडर्ड वंडर्ड, वेस्ट वेस्टेड वेस्टेड, वेड वेडेड वेडेड, वुंड वुंडेड वुंडेड, ओरशिप ओरशिप्ड ओरशिप्ड, वंडर वंडर्ड वंडर्ड, रैप रैप्ड रैप्ड, इल्ड इल्डेड इल्डेड।